हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये फ्लोरल डिज़ाइन जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसका आज मैं फिलअप करने वाली हूँ। सो ये आप देख सकते हो कि फिलअप कैसे करना है। वो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सेल्फ मेड कौन ही यूज़ करें। आप रेडीमेड कौन यूज़ करोगे तो आपकी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी और फिलअप आपके क्लियर नहीं होंगे। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे प्रोडक्ट्स आप बाई कर सकते हो। और मैंने आपको हिनाकोन का पूरा वीडियो भी बताया है कि कैसे आपको हिनाकोन बनाना है, कैसे पेस्ट बनाना है। तो आपको किसी को आता नहीं है तो आप वो देख के इस तरीके का सेल्फ मेड कोन बना सकते हो। सो मैं फ्रेंड्स ये वीडियो चालू कर दिया है ऑलमोस्ट। मैं यहाँ पे इस तरीके से न्यूज को फिलअप कर रही हूँ। मैं इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, मैं वीडियो को फास्ट करूँगी, बिकॉज जो सारे फिलअप है उसकी प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को करवा दी है। सो आज मैं केवल ये सारे शेप्स में फिलअप करूँगी। आप लोगों को बस देखना है कि कौन से शेप में मैं किस तरीके से फिलअप कर रही हूँ और किस तरीके से बॉर्डर को क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ग्रिड लाइंस चालू करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात मुझे शेयर करनी थी कि एज अ प्रोफेशनल अगर आप वर्क कर रहे हो तो इस तरीके से आप पूरा वे आप ड्रॉ मत करो। आप हाफ पैटर्न ड्रॉ करके आप उसको पूरा क्लियर कर लो फिलअप के साथ, उसके बाद आप हाफ पैटर्न को ड्रॉ करो। बिकॉज इससे क्या होगा कि अभी ये पेपर पे तो ये कैसा है कि ऑलमोस्ट सूख गया है, तो मैं ऐसे हैंड टच कर रही हूँ तो वो यहाँ से कुछ बिगड़ नहीं रहा है। लेकिन आप एज अ हैंड पे ड्रॉ करोगे तो उसके बिगड़ने के फुल चांसेस रहेंगे। सो आप डिज़ाइन बनाते जाओ और उसमें फिलअप करते जाओ, इस तरीके से ही आपको करना है। और एक थिंग और कि मुझे बहुत से लोगों के कमेंट और मैसेजेस आए कि मैम मैं स्पीड को कैसे इंक्रीज करूं, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूं कि मेरे पास कोई ऐसी दवाई तो है नहीं कि मैं
वो आप लोगों को दे दूँ और आप स्पीड को इंक्रीज कर लो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें क्या होता है कि स्पीड आपकी इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपको डिज़ाइन का आइडिया नहीं है कि कौन सी डिज़ाइन कब सेट करनी है, कौन सी डिज़ाइन के बाद कौन सी डिज़ाइन आनी चाहिए। तो वो अगर डिज़ाइन आपकी माइंड में प्रॉपर फिट है तो आगे से आगे डिज़ाइन क्रिएशन होते जाते हैं, तो क्या होगा आपकी डिज़ाइन में क्लेरिटी भी आएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ाने के लिए कैसा है कि एक ही थिंग की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। रेगुलर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी सारी डिज़ाइन जो है वो माइंड में सेट हो जाएगी। जब डिज़ाइन आपको पता है कि कौन सी डिज़ाइन के बाद कौन सी डिज़ाइन बनानी है तो ऑटोमेटिक आप डिज़ाइन ड्रॉ करोगे और ज़्यादा थिंक नहीं करना होगा। थिंक करोगे तो टाइम वेस्ट होता है, तो उससे आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो एक ही रीज़न है, आपसे अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपकी फिनिशिंग भी अच्छी होगी और स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। कभी भी आप एज अ प्रैक्टिस करो या ऑर्डर पे आप डिज़ाइन बनाओ या किसी को भी आप डिज़ाइन लगाओ, तो मैं जो करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मतलब स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको नेक्स्ट डिज़ाइन जो बनानी है कौन सी बनानी है, किस टाइप की डिज़ाइन करनी है। तो पहले से अगर आपके माइंड में फिट है कि मुझे ये डिज़ाइन करना है या इसका ऐसा सेटअप करना है तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। एट अ मोमेंट अगर आप डिज़ाइन को स्टार्ट करोगे या डिज़ाइन को थिंक करोगे तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और थिंक करते करते आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। ये भी रीज़न होता है एक। सो ये तो हुआ अपना स्पीड इंक्रीज का टॉपिक। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि मैम आपके कौन का पिन का साइज़ क्या है, तो एज ए मैं प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कॉन मेकिंग का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि मैं कोई पिन साइज़ यूज़ नहीं करती हूँ। आपको हमेशा से जब आप कॉन बनाओगे तो आपको पहले से ही पॉइंटेड कॉन ही बनाना है। एज ए प्रोफेशनली अगर आप वर्क करते हो तो मैं कोई पिन का साइज़ यूज़ नहीं करती हूँ। सो मेरा आप पॉइंट देख सकते हो और आपको कट नहीं करना है जब भी आप कौन बनाओ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बना के फिर आप सीजर से उसको कट कर दोगे तो वो चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। फिनिशिंग में प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिज़ाइन क्लियर नहीं निकलती है, फिलअप में प्रॉब्लम आएगी। सो अभी भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले से ही पॉइंटेड कौन यूज़ करो, पिन नहीं। पिन करोगे तो आपके जो उसमें होल होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे और डिज़ाइन भी आपकी डिफरेंट टाइप की अलग अलग बनेगी। फ्रेंड्स, आप जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका वर्क अच्छा होगा। आप मेरी काफ़ी टाइम पहले की बिफोर 5 to 4 ईयर की आप डिज़ाइन देख सकते हो कि मेरी डिज़ाइन में भी फिनिशिंग नहीं थी। मैंने भी इसमें बहुत मेहनत की, रेगुलर मैंने प्रैक्टिस की, तब जाके मेरा वर्क आज ऐसा हुआ है। सो आपको रेगुलर तो प्रैक्टिस करनी ही है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि हीरे को जितना घिसते हैं उतना ही वो चमकता है। सो सेम थिंग मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप जितनी ज़्यादा मेहंदी में प्रैक्टिस करोगे, आप मेहनत करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेहंदी में फिनिशिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएशन सेट होंगे। सो रेगुलर प्रैक्टिस करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसी तरह से आपको रोज प्रैक्टिस करते रहना है, एक दिन आपकी मेहंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आप देख सकते हो कि फ्लोरल बंच का मेरा इतना सेटअप रेडी हो गया है। मैंने ग्रिड लाइंस इस डिजाइन में यूज की है, इसके पहले जो सारे फिलअप्स जो बताए थे वो भी यूज की है। ये वाली ग्रिड लाइंस भी मैंने आपको डिजाइन में बताई थी, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने यूज किया है। आप अपने हिसाब से जो भी ग्रिड लाइंस लेना चाहो आप यूज कर सकते हो।
फ्रेंड्स ये तो सब आपको आता ही होगा, फ्लावर रील फील करना। तो फ्रेंड मैं इसको पूरा वीडियो फास्ट करूँगी।
फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डिज़ाइन मेरी रेडी हो गई है फिलअप के साथ। इसमें ज़्यादातर फिनिशिंग मुझे नहीं दिख रही है जैसा मेरा वर्क रहता है हमेशा, बिकॉज वीडियो में मैं थोड़ा फास्ट वर्क करती हूँ, इस वजह से मैं इतनी फिनिशिंग नहीं दे पाती हूँ। सो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इस पूरी डिज़ाइन को आप बहुत अच्छे से फिनिशिंग से आप कर पाओगे। और फ्रेंड्स मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने सारे ऑर्डर्स की वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ और उस पर मैं वीडियो बना पाऊँ। और ये मैंने पेपर पे बनाया है बिकॉज आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सूटेबल होगा। आप पहले पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप हाथ पे आप इस चीज़ का सेटअप करोगे तो आपको इजी से कंफर्टेबल होगा। इसी डिज़ाइन को आप हाथ पे करोगे तो इससे काफ़ी बेटर आपको फिनिशिंग मिलेगी। सो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मेरे आने वाले वीडियो में मैं इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोगों को बताने वाली हूँ, मैं अपने आइडियाज़ सारी ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक हमेशा देखें, कभी भी आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। सो ये पूरी डिज़ाइन देखो आप रेडी हो चुकी है, मुझे मैसेज में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आपके आइडियाज़ और आपके कमेंट शेयर करें।